बेटे ते रूह पाक के नाम दे उत्ते आमीन। सारे नूं जय यीशु दी। पाक खुदा तू कर दे दया, ए पाक खुदा तू कर दे दया, ए पाक खुदा तू कर दे दया, मैनू इन्ना काबिल बना। ए पाक खुदा तू कर दे दया, मैनू इन्ना काबिल बना। मैनू दनाई दा वरदान दे, तेरे पेदा नू जान सका। खुदा तू कर दे दया, मैनू इन्ना काबिल बना। मैनू दनाई दा वरदान दे, तेरे पिता नू जाने सका। तेरे पिता नू जाने सका, तेरे सरकार। पिछले हफ्ते असीं पढ़े सी जर्मिया नबी, हुण अज असीं पढ़न जा रहे हां हिजकीएल नबी। हिजकीएल नबी एक बाबल दे विच एक प्रवासी सी, यरूशलम दे नाश होण तों पहलां अते बाद विच वी। उहदे पिता दा नाम की सी? बूजी उहदे पिता दा नाम सी, अते यहूदा इलाके दे विच उह एक पुरोहित सी। तो हिजकीएल नबी दे नाम दा अर्थ है परमेश्वर की दृढ़ता। हिजकीएल नबी वड्डा विश्वासी सी, कल्पना शक्ति वाला आदमी सी। परमेश्वर दे बहुत ही विचार सी उहदे उपर, अते ओह लोकां नूं हमेशा ही अपनी आत्मा नूं साफ करना, सब तो ज़्यादा मंदर अते पवित्रता बारे कि यह सब तो ज़्यादा साड़ी जरूरत है, लोड़वंद, इहदे बारे दसदा सी। फिर की है, परमेश्वर ने उन्हूं दर्शन दिते। और इस तरह समय विच जबाल नबी दे कंडे ते बैठा होया हिजकीएल नूं खुदा वलों एक दर्शन विखाई दिता, अते उसनूं नबी होण लई चुनिया। परमेश्वर ने उन्हूं की दर्शन दिते, फिर हिजकीएल नबी नूं एक नबी होण दे लई चुन लिया। हुण अगे असीं पढ़दे हाँ इन्हां दीआं पुस्तकां, जो किताबां हन, इन्हां दा संदेश की है। पहला की है हिजकीएल नबी दी पुस्तकां दे संदेश। पहला की है, खुदा स्वर उच्चा अते महा पवित्र है अते गुनाह नू नहीं जरदा। परवास दे राही खुदा लोकां दी शुद्धता चाहुंदा है अते ओ खुदा प्रति ताब्यादार होना सिख लैण। खुदा दी सजा द्वारा खुदा दे प्यार विच कोई भी कमी नहीं आई। सचमुच ओ चुनिया होया ते रहम करेगा। खुदा संसार दीआं घटनावां अते गुजरे समय उत्ते पूरा अधिकार रखदा है। असी आप अपने गुनाहां लई जिम्मेवार हाँ। अपनी सज़ा लई साडे वड्डे वडेरियां नूं दोषी नहीं ठहरा सकदे हाँ। यह है हिजकीएल नबी दे संदेश। हुण असीं अगे असीं पढ़ सके हिजकीएल नबी दी बुलाहट, किस तरह परमेश्वर ने उन्हूं बुलाया, किस तरह परमेश्वर ने उहदी चोण कीती अपनी सेवा दे वास्ते, लोकां दे वास्ते। आओ असीं ध्यान दे नाल देखदे हाँ, पढ़दे हाँ हिजकीएल नबी दी बुलाहट। परमेश्वर की कहिंदा है हिजकीएल नबी नूं, मानव पुत्र तू खड़ा हो, मैं तेरे नाल गल्लां करांगा। जदों आवाज़ मेरे नाल गल कर रही सी, कौन कह रहा? हिजकीएल नबी। परमेश्वर ने उन्हें किया, मानव पुत्र तू खड़ा हो, मैं तेरे नाल गल्लां करांगा। ये आवाज़ किहदी सी? परमेश्वर दी। हुण किने सुनिया है? हिजकीएल नबी ने।
ਹਿਜਕੀਲ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖੇ ਸਨ ਉਹ ਹੱਠੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਪਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਇਹਨੂੰ? ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸੌਖਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ? ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾ ਬਣ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੇਟੀ ਪੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦੁਹਾਈ, ਵੈਣ ਅਤੇ ਸੋਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਖਾ, ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਖਾ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੋਲ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਹੱਠੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੱਠੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ। ਸੋ ਕਿ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਇੱਕ
शायद जिस तरह मिठा हुंदा है उसे तरह उन्हों महसूस होया। ये सब की सी परमेश्वर की शक्ति, तां जो परमेश्वर ने हिजकिएल नबी नूं अपनी पावन शक्ति नाल भरपूर कर दिता, तां जो उस शक्ति दे अनुसार वह इसराइलियां दे कोल जा सकन। उन्हां दा जो भी वह पाप दे विच हन, जो भी बुरे हालत विच हन, उन्हां नूं शक्ति दे द्वारा ही परमेश्वर दे वल मोड़ सकन। तद फिर परमेश्वर ने की कहा, मानव पुत्र तू ध्यान नाल सुन अते याद कर जो मैं तेनों कह रहा हाँ, फिर तू आप अपने देश निवासियों को प्रवास विच जा अते तू ये दस जो मैं प्रभु परमेश्वर उन्होंने कह रहा हाँ, चाहे वह तेरी सुन जा ना। तद परमेश्वर का आत्मा मेरे तो वक् हो गया। हुण पहला किसी परमेश्वर का आत्मा हिजकिएल नबी दे विच सी, हुण की महसूस कर रहा कि परमेश्वर का आत्मा उस नबी विचों वक् हो गया। कहिंदे जदों वक् हो गया तो मैं अपने पिछे एक वड्डी गर्जन की आवाज़ सुनी जिसने कहा, स्वर्ग विच उपर प्रभु दे प्रताप की महिमा करो। मैं प्राणियों नू हवा विच अपने खंभ मारदे सुनिया, एते पहिया की आवाज़ भी सुनी जो भूचाल की आवाज़ जिनी सी। तद प्रभु की शक्ति वड्डे जोर नाल मेरे उत्ते आई अते जो उसका आत्मा मैनू उतों लै के जा रहा सी तो मैनू बहुत बुरा लगा अते मैं गुस्से नाल भर गया। तद मैं तेल अबीब नगर विच गया जो कबार दरिया दे कोल सी, जिथे प्रवासी रहिंदे सन। मैं 7 दिन तक उत्थे रहा अते इन्हां दिनों विच मैं उस दर्शन दे असर हेठां ही रहा। सो ये की सी हिजकिएल नबी दा दर्शन, परमेश्वर ने किस तरह उन्हों अपने दर्शन दिता, किस तरह उन्हों चुनिया अपने लोगों के वास्ते। हो अगे असीं की देखते हाँ, अंगूर वेल की उदाहरण। हुण परमेश्वर की कह रहा, अंगूर की किस तरह असीं उदाहरण दे रहा। प्रभु ने मैनू कहा, हुण किनूं कह रहा, परमेश्वर हिजकिएल नबी नूं। प्रभु ने मैनू कहा, मानव पुत्र कि अंगूरी वेल का टाकरा एक रुख नाल हो सकता है, एक अंगूरी वेल की टाणी का टाकरा एक जंगली रुख दे नाल किन्ना कु चंगा लगता है। कि उसकी टाणी तो तुसी कुछ बना सकते हो, कि उस तो एक किली बना सकते हैं जिस उत्ते कोई चीज़ टंगी जा सकती है। ये केवल अग विच बालन दे ही काम आ सकती है। जो इस दे सिरे दा विचकारला हिस्सा सड़ जाएगा ताकि इसकी कोई चीज़ बन सकती है। इहदा सड़न तो पहला ही निकम्मी सी अते सड़न तो पिछों होर भी निकम्मी है। सो इसलिए प्रभु परमेश्वर ने यह किया है, जिस तरह वेल जंगल दे रुख विचों लैके अग विच साड़ी जाती है, उसी तरह मैं यरूशलम दे निवासियों नूं फड़ के उन्हां नूं सज़ा देवांगा। वो एक बार अग तो बच गए हैं पर हुण अग नूं पसम कर देवेगी जदों मैं उन्हों सज़ा देवांगा। तां तुसीं जानोगे कि मैं प्रभु हाँ, उन्होंने मेरे नाल विश्वासघात किया है, इसलिए मैं उन्होंने देश को वीरान कर देवगा। सो प्रभु ने की किया, हुण कंपेयर किया अंगूरी वेल दे जंगली जो भी रुख हुंदा उहदे नाल। इसी तरह कहिंदा मैं यरूशलम दे निवासियों भी, क्यों सी? क्योंकि परमेश्वर दे कम्मां दे विरुद्ध हो गए सन, जो परमेश्वर ने उन्होंने हुक्म के अनुसार नहीं चलते सन, कि परमेश्वर का गुस्सा उन्होंने उत्ते भटक गया सी। इस करके परमेश्वर ने उन्होंने कंपेयर किया कि उस तरह मैं उन्होंने की कर देवगा, सज़ा देवगा, नाश कर देवगा। सो अगे असी नैक्सट पढ़ते हाँ, चंगा चरवाहा। प्रभु परमेश्वर दसदा है, मैं आप अपनी भेडां नूं लब्भांगा अते उन्हां दी देखभाल करांगा। जिस तरह एक चंगा चरवाहा अपनी खिलरियां भेडां नूं दोबारा इकट्ठियां करके उन्हां दी देखभाल करदा है, मैं उन्हां थावां तों इकट्ठियां करके लियावांगा जिथे वह भयंकर काले बदलों वाले दिन खिलर गईयां सन। मैं उन्होंने पराए देशों विचों बाहर लिया के इकट्ठिया करांगा अते वापस उन्हां दी धरती उत्ते लियावांगा। मैं उन्होंने दोबारा इसराइल के पहाड़ों अते दरियावां वल लै जावांगा अते हरियां चरांदा चरावांगा। मैं उन्होंने इसराइल के पहाड़ों उतले वाड़ियां विच रखांगा
ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾ ਚਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੋਟੀਆਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਣ, ਖਿੱਲਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿ ਭਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਬਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਠੀ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਜੋ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਿਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਘੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਸਭ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਆ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਮੰਗਿਕ ਵਾਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਦੀ। ਹੁਣ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
उसने मैनू सारी वादी दिखाई। उसने कहा, प्रभु परमेश्वर इसका उत्तर ता तू ही दे सकता है। उसने कहा, तू इन हड्डियां लिए अमंगिक वाक कर, तू इन हड्डियां नू कह कि ओ प्रभु दा वचन सुनन। उन्हां नू एक है, मैं प्रभु परमेश्वर उन्हां नू कह रहा हाँ, मैं तुहाडे विच दुबारा सा पा रहा हाँ, तुहानू फिर जीवन दान देवांगा, मैं तुहानू नाड़ा अते मास देवांगा, अते तुहानू चम नाल टक देवांगा, मैं तुहाडे अंदर सा पा के तुहानू फिर जिउंदा करांगा, तां तुसी जाणोगे कि मैं प्रभु हाँ। ये हुण परमेश्वर किनू कह रहा है, हिजकिएल नबी नू कह रहा है, तू अमंगिक वाक कर, जो भी तू बोलेगा उसी तरह होवेगा। सो अगे की है, सो मैं प्रभु दे दस्से अनुसार किया, अते जदों मैं बोल रहा सां तां मैं एक शोर सुनिया, अते हड्डियां एक दूजे नाल जुड़नियां शुरू हो गई। मैं देखिया हड्डियां उत्ते नाड़ा अते मास आना हो गया, अते वो चम नाल ढकियां गईयां, पर वो शरीरां विच प्राण नहीं सन। परमेश्वर ने मैनू कहा, मानव पुत्र तू हवा नू दस कि प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है कि वो हर दिशा तो आके इन्हां मेरे शरीर अंदर सा फूके अते इन्हां नू दुबारा जिउंदियां करे। सो प्रभु दे दस्से अनुसार मैं कीता, इसलिए उस शरीरां विच सा आ गया अते वो जिउंदी होके खड़े हो गए। उन्हां दी गिनती एक सेना अनुसार काफ़ी सी। परमेश्वर ने मैनू कहा, मानव पुत्र इसराइली लोग इन्हां वांग हन, वो कहिंदे हन कि वह सुक गए हैं अते उन्हां नू भविख विच कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए तू इसराइलियां लई अमंगिक वाक कर अते उन्हां नू दस कि मैं प्रभु परमेश्वर उन्हां दी धरती उत्ते लिया रहा हाँ, जदों मैं उन्हां दी कबरां खोल के उन्हां नू दोबारा बाहर लियावांगा तां उह जाणनगे कि मैं प्रभु हाँ, मैं अपना सा उन्हां विच पावांगा अते उन्हां नू जिउंदियां करके उन्हां दी धरती उत्ते रहन देवांगा, तद उह जाणनगे कि मैं प्रभु हाँ, मैं इह करन दी प्रतिज्ञा कीती है अते मैं प्रभु ने इह कहा। हुण कि इह सारा कुछ हिजकिएल नबी ने उत्ते प्रगट होया, किस तरह परमेश्वर की दया सी इसराइली लोगों वास्ते। फिर इसराइलियों ने पछतावा किया कि असीं शायद पिछे हाँ, पर परमेश्वर ने की कहा कि जिस तरह हड्डियों के विच परमेश्वर जान पा सकता है, इन्हां सुकियां हड्डियों उत्ते नाड़ा दे सकता है, उन्हां उत्ते चम दे सकता है, उन्हां विच सा पा सकता है, इसी तरह इसराइली लोगों उत्ते भी परमेश्वर अपनी दया करेगा, उन्हां नू दुबारा जिउंदियां करेगा, उन्हां विच दुबारा सा पावेगा, उन्हां नू दुबारा जीवन देवेगा। हुण अगे नैक्सट असीं देखदे हां, मंदिर विचों निकलदी नहर। तद उह मनुख मैनू मंदिर दे अंदर आउण वाले फाटक कोल लै गया, फाटक दे कोलों पानी बाहर आ रहा सी अते उह पूर्व वल अर्थात मंदिर दे वल वग रहा सी। इह पानी मंदिर दे दक्षणी पासे दे हेठों दी हुंदा होया वेदी दे दक्षणी पासे वलों दी लंघदा सी। तद उह मनुख मैनू उत्तर पासे फाटक विचों दी बाहर लै गया अते उत्थों दी लै के पूर्वी पासे दे बाहरले फाटक कोल लै गया। उस फाटक दे दक्षणी पासे वल एक छोटी जिही नदी वग रही सी। उस मनुख ने पूर्व वल जा के अपने हाथ विचले माप नाल 500 मीटर मिलिया अते उसने मैनू कहा, पानी विचों दी लंघ, पानी मेरे गिट्टियां तक सी, पर उसने मेरे अगे होर 500 मीटर मिलिया अते पानी मेरे गोडियां तक सी। उसने 500 मीटर होर अगे मिलिया तां पानी मेरे लक तक आ गया सी। उसने 500 मीटर होर मिलिया तां पानी इन्ना डूंगा हो गया कि मैं उस विचों दी होर अगे पार ना हो सकिया। ये काफ़ी डूंगा सी जो केवल तर के ही पार किया जा सकता सी। उस मनुख ने मैनू कहा, मानव पुत्र ये सब ध्यान नाल देख। फिर वह मैनू नहर के कंढे उत्ते लै गया अते जदों मैं उत्थे गया तां मैं देखिया
कि नहर दे दोवें कंढ्यां उत्ते बहुत सारे रुख हन। उसने मैनू कहा यह पानी पूर्व की धरती तो ही हुंदा होया यर्दन वादी विच जांदा अते उत्थे अगे खारे सागर विच चला जांदा है। सागर दे लूण वाले पानी नू यह ताज़ा करदा है। इतों की यह नहर लंघेगी उत्थे हर तरह के जानवर मच्छियां होणगियां। यह नहर का पानी खारे सागर के पानी नू ताज़ा करदा अते जिते भी यह जाएगा उत्थे जीवन होवेगा। यह नगदी के चश्मिया तो लैके एन अगली दे चश्मिया तक सागर के कंडे उत्ते मछेरे होणगे अते अपने जाल सुकाउण दे लई खिलारणगे। उस विच वड्डे सागर वांग कई किस्म दीआं मच्छियां होणगीआं। उसके कंडे दे नाल चिक्कड़ वाले अते गंदे टोयां दा पानी ताज़ा नहीं किया जाएगा। वो उत्थे लूण पैदा करन लई रहणगे। नहर दे हर कंडे उत्ते हर तरह के रुख होणगे जो भोजन पैदा करनगे। उन्हां दे पत्ते मुरझाउणगे नहीं तां उह हर समय मौसम विच फलदार रहणगे। उह हर महीने ताज़े फल देणगे क्योंकि उसे नहर दे पानी नाल सिंजे जांदे सन जो मंदिर विचों वगदी सी। उह सुक्के भोजन पैदा करनगे अते उन्हां दे पत्तियां नाल लोक चंगे हो जाणगे। इह की सी हिज़कीएल नबी दा दर्शन जो परमेश्वर उन्होंने दिखाया किस तरह नदी वगदी सी दक्षणी वादी दे विचों दी ते फिर की सी उह सागर दे विच जाके मिलदी सी। सागर दा पानी सी इक लूणा सी। फिर उहदे समुंदर दे उत्ते की सी बहुत सारे रुख सन। समुंदर दे विच की सी बहुत सारियां मच्छियां ते बहुत सारे जानवर सन। इह परमेश्वर ने की हिज़कीएल नबी नूं दर्शन दित्ता कि जो भी इह ते मौसम दे अनुसार रुख होणगे उह फलदार होणगे अते उहदे पत्ते कदे भी सुकणगे नहीं उह ताज़ा रहणगे। इन्हां रुखां तों जो भी लोक फल खाणगे उह की हो जाणगे चंगे हो जाणगे। इह सी अज दा चैप्टर फोर्थ चैप्टर। हुण असी इस चैप्टर दे क्वेश्चन आंसर वल ध्यान देवांगे। ध्यान दे नाल सुनना है। पहला क्वेश्चन की है हिज़कीएल नबी किस दा पुत्र सी अते उसदे नाम दा की अर्थ है। हिज़कीएल बूजी दा पुत्र सी जो यहूदा दा पुरोहित सी। हिज़कीएल नाम दा अर्थ है खुदा दी दृढ़ता। हुण अगे है हिज़कीएल दी बुलाहट बारे दसो। आंसर हैगा है मानव पुत्र तू खड़ा हो मैं तेरे नाल गल करांगा। जो आवाज़ मेरे नाल गल कर रही सी तां परमेश्वर दा आत्मा मेरे अंदर आ गया अते उसने मैनू पैरां उत्ते खड़े कर दिता। तद मैं उस आवाज़ नू अगे कहिंदे सुनिया मैं तैनूं इसराइली दे लोकां कोल घल रहा हाँ। अगे परमेश्वर ने कहा मानव पुत्र जो मैं तैनूं दस रहा हाँ तू सुन तू उन्हां वांग विद्रोही ना बन। जो मैं तैनूं देवांगा तू आप अपना मूँह खोल के खा लै। तद मैं एक हथ वेख्या जो अगे वध्या उस विच की सी एक पत्री वलेटी हुई सी। वह पत्री मैं खोली अते मैं देखिया कि उस विच पत्री उत्ते दुख भरी दुहाई वैण अते सोग लिखे हुए सन। जदों मैं पत्री खाधी तां उसका स्वाद शहद वर्गा मिठा लगा सी। इह सी दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हुण हैगा तीसरा चंगा चरवाहा अपनी भेडां नाल की करेगा। इहदा आंसर है एक चंगा चरवाहा अपनी खिलरियां भेडां नूं दोबारा इकट्ठियां करके उन्हां दी देखभाल करता है अते मैं उन्हां थावां तों इकट्ठियां करके लियावांगा जिथे ओह भयंकर काले बदलां वाले दिन खिलर गईआं सन। मैं उन्हां नूं पराए देश विचों बाहर लिया के इकट्ठियां करांगा। मैं गुआचियां भेडां नूं लब्भांगा भटकियां नूं वापस लियावांगा अते जख्मियां दी मलम पट्टी करांगा बीमारां नूं चंगा करांगा। पर जो मोटियां चर्बी वालियां भटकियां हन उन्हां नूं मैं नाश कर देवांगा क्योंकि मैं उह चरवाहा हाँ जो सच्चा न्याय करता हाँ। सो अगे हैगा है सुक्कियां हड्डियां वाली वेदी विच हिज़कीएल नबी ने की अमंगिक वाक कीता। हुण की कीता सी असी वेखदे हाँ। प्रभु ने दसे अनुसार मैं कीता जदों मैं बोल रहा सा तो मैं एक शोर सुनिया अते हड्डियां एक दूजे नाल जुड़नियां शुरू हो गईयां।
मेरे देखदिया ही हड्डियां उत्ते नाड़ां ते मास आ गया अते ओ चम नाल टक गईआं पर उन्हां शरीरां विच प्राण नहीं सन। परमेश्वर ने मैनू कहा, मानव पुत्र तू हवा नू दस कि प्रभु परमेश्वर की आग्ञा है कि वह हर दिशा तो आके उन्हां मेरे शरीर अंदर साफ हुके अते इन्हां नू दुबारा ज्यौंदिया करे। सो प्रभु दे दसे अनुसार मैं कीता, इसलिए उन्हां शरीरां विच सा आ गया अते ज्यौंदे हो के खड़े हो गए। उन्हां दी गिनती एक सेना बनाउण लई काफ़ी सी। पंजवां क्वेश्चन लास्ट, मंदिर विच्चों निकलदी नहर दा पानी कित्थे जांदा सी? ए पानी पूर्व दी धरती तो हुंदा होया यरदन वादी विच जांदा अते उत्थे अगे खारे सागर विच चला जांदा है। सागर दे लूण वाले पानी नू ए ताज़ा कर दिंदा है। जितों दी इह नहर लंघेगी उत्थे हर तरह दे जानवर मच्छियां होणगियां। इस नहर दा पानी खारे सागर दे पानी नू ताज़ा करदा। जिथे भी ये जाएगा उत्थे जीवन होवेगा, उत्थे हर तरह के जानवर अते मच्छियां होणगियां। इस नहर दा पानी खारे सागर दे पानी नू ताज़ा करदा। जिथे भी ये जाएगा उत्थे जीवन होवेगा। यह सी पंजवें क्वेश्चन का आंसर। हुण अज दा चैप्टर की खत्म हो गया। तुसी ये जिन्हें भी चैप्टर मैं करा चुकी हाँ, तुसी घर बह के पढ़ना है, अपनिया कापियां दे विच क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, याद करने हैं, ते उन्हां नूं ध्यान दे नाल पढ़ना है। सो अज दा चैप्टर समाप्त होया। इजाजत है। जय यीशु दी।